संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दो स्थानीय साहसी युवकों ने मिलकर अभियान चलाया है। ये युवक ब्लड डोनेशन कैंप, निशुल्क दवा, भोजन सहित अन्य आवश्यक सामानों का वितरण कर आमजनों को राहत पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से पूरा जिला जब परेशान हो उठा, उस वक्त आरा के दो साहसी युवकों ने घर से बाहर निकलकर लोगों की मदद शुरू की। यह मदद COVID-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करने, उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने, टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने, मास्क का अभियान, कोविड मरीजों को समय पर दवा, डॉक्टर की उपलब्धता, लॉकडाउन में गरीबों को भोजन, ब्लड डोनेशन अभियान, ब्लड अरेंज करना और हेल्पलाइन सेवा के रूप में एक टीम बनाकर शुरू किया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्र भुवन कुमार तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अमित सिंह की जोड़ी ने एक टीम बनाकर अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हौसले के साथ ढेर काम किया है। भुवन कुमार दिव्यांग है। एक पैर में पोलियो ग्रसित होने से भुवन की दिव्यांगता 50% है। शारीरिक दिव्यांगता उनके हौसले को कम नहीं करती है। वे इस टीम को सफलतापूर्वक लीड कर रहे हैं। बीबीगंज के पास एक गाँव है, वहीं के व्यक्ति है जो असहाय है, उनको दवा की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उसी पे उन्होंने कॉल करके सहयोग का कुछ अपेक्षा रखे हैं, इसलिए हमने अभी अमित भैया से पैसा लिया और उनको दवाई ले जाकर पहुंचा। अपने पास से भी कुछ हो जाता है, पहले तो अपने पास से होता था, लेकिन लोगों ने अब कुछ कुछ देना शुरू किया, डोनेट करते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, जिस पर जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकता साझा करते हैं। नेटवर्किंग का सही उपयोग कर वे लोग यथासंभव सहायता उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन या हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, संक्रमितों और उनके तामीरदारों के लिए भोजन की उपलब्धता हो या वैक्सीनेशन के लिए मार्गदर्शन हो। ये टीम सेवा में लगी है। इनकी टीम स्वतः सेवा देने वाले अंशदाताओं की रसोई में पके ताजा भोजन को पैक कर जरूरतमंदों तक वितरित करती है। जी, मेरा नाम दीप राजू है, हम एक होलसेल व्यापारी हैं। इन लोग अलग अलग जगहों पे, मतलब कोरोना को लेकर अलग अलग जगहों पे खाना रसोई का काम करते हैं, खाना जरूरतमंदों को खाना देते हैं, तो इसलिए हम लोग अलग अलग जगह पे इनको खाना, मतलब खाना बनाने का हर एक सामान होलसेल रेट में उपलब्ध कराते हैं। लगभग ये 28 दिन से या एक महीना हो गया ये काम चल रहा है इन लोग का। अस्पताल में इनकी सेवा से कई मरीज स्वस्थ हुए हैं। इनकी टीम की लगन देखकर कई समाज सेवी भी अब इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार न सिर्फ इनका मनोबल बढ़ा है, बल्कि इनकी टीम का भी आकार बड़ा हो रहा है, जिससे एक बड़ी आबादी तक सहायता पहुंचाने में वे सफल हो रहे हैं। जो सच्चाई है आपको बताया जा रहा है, ये दोनों छोटा भाई जैसे जो है भुवन, ये अमित जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, इन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाकर कार्य कर रहे हैं और पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, इसका जितना बड़ाई किया जाए वो बहुत ही कम है। भुवन की टीम दिन में स्लम एरिया में तथा रात में स्टेशन और अन्य जगहों पर मौजूद जरूरतमंदों के बीच खाने का पैकेट वितरित करती है, साथ ही टीकाकरण के लिए जागरूक करती है। उनके इस अभियान का असर ये हुआ है कि बेहद पिछड़े स्लम एरिया में भी लोगों के बीच मास्क को लेकर जागरूकता आई है और इस क्षेत्र के लोगों ने टीका लेना शुरू कर दिया है। 18 साल से ऊपर से लड़की करे तो लड़का भी है, लड़की से मास्क लगा के बताई नहीं आओ का बताई नहीं आपको कहाँ पर्व रहता हमने कैसे ले लेने ले। COVID-19 के जोखिमों के बावजूद यह टीम लगातार काम कर रही है। खुद क्वारंटाइन होने के दौरान भी भुवन मोबाइल से अपनी टीम को लीड कर रहे थे। एक व्यक्ति बहुत रात को, उस समय हम लोग खाना खा रहे थे सर, तो वो आए मेरे पास, तो उनके जो करीबी थे कुछ जानकारियां उनसे हमसे छिपाए हुए थे, तो हमने उनको रात भर रखा और खुद से इंजेक्शन वेजेक्शन भी उनको लगाया। इसके बाद उन सुबह जैसे ही उनका कोरोना जांच हुई तो पॉजिटिव आया, मैं डर भी गया, तो मैंने अपना भी कोरोना रिपोर्ट जांच कराया तो ऊपर वाले की कृपा से उस समय निगेटिव था, लेकिन कुछ सिम्टम हमारे अंदर दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद हम अपने आप को क्वारंटाइन कर लेंगे तो हमारे साथी जो हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो बच जाएंगे, और कुछ ऐसा मुझे लगा कि नहीं अभी हमारे अंदर कोई दिक्कत है, तो हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर ली, गांव चले गए और एक कमरे में रहकर 14 दिन बिताया हमने,
और पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद पुनः मैं अपने टीम के साथ लगा हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस आपदा की घड़ी में सारी बाधाओं को पार करते हुए मानव सेवा करने वाले योद्धाओं को दूरदर्शन बिहार सलाम करता है। भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।